पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन पर हमीरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा गहरा दुख व्यक्त किया गया है। वहीं आज हमीरपुर जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर हमीरपुर में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रजिंदर जार ने शिरकत की। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर रजिंदर जार ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कार्यकाल को कांग्रेस कभी नहीं भुला सकती है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के द्वारा प्रदेश का 6 बार प्रतिनिधित्व किया गया है और प्रदेश को कई प्रकार की सौगातें दी हैं जिन्हें भुलाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की क्षति को पूर्ण करना असहनीय पीड़ा के समान होगा। खुद जाकर उनके हॉली लॉज में जाकर उनको श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पित किए और उनके दर्शन किए और आज उनका जो पैतृक गांव है रामपुर शहर उसमें उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया है और वहीं उनकी आज 3 बजे अंत्येष्टि होने वाली है। ये कार्यक्रम है आज का, तो इसी दिन को हमने ठीक समझा कि मैं हम अपनी तरफ से भी श्रद्धांजलि देते हैं। हाँ बिल्कुल, ये हमारे वरिष्ठतम नेता थे और जो मैं तो ये कहता हूँ कि चाहे वो किसी भी दल, कोई भी दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी है दूसरी है, ये हिमाचल के वरिष्ठतम नेता थे और एक्सेप्टेबल और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर थे हर जन जन में ये बसे हुए थे। इनसे बड़ा नेता हिमाचल को मिलने से रहा। आज हम उस बड़ी एक टावरिंग जो शख्सियत है उसको यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे जो जननायक और कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता और 6 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके श्री वीरभद्र जी का जो निधन है 8 तारीख को हुआ, आज उनकी अंत्येष्टि उनके अपने ये अपने नेटिव प्लेस में रामपुर में होने जा रही है। तो हमने भी जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक उन्हें श्रद्धांजलि देने की, इस बड़ी शख्सियत को श्रद्धांजलि देने का प्रोग्राम रखा है और इसमें हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो अपने दिल से अपनी भावपूर्ण जो श्रद्धांजलि है इस दिवंगत नेता को यहाँ देने के लिए इकट्ठे हुए हैं।